आज एक बार फिर से शुरू करते हैं। प्रेस रिलीज की बात करते हैं। प्रेस रिलीज क्या होती है? प्रेस रिलीज कितने प्रकार की हो सकती है? या लिखते हुए क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए? प्रेस रिलीज, जैसा कि आप यदि पुरानी क्लासेस का आपने ध्यान है पढ़ा है, प्रेस रिलीज किसी भी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी ग्रुप की हो सकती है जिसका उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव इंडिविजुअल के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी के बारे में जानकारी देना है, या इमेज बिल्डिंग हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम कॉलेज में कोई फंक्शन करते हैं और उसके बारे में कोई जानकारी देना चाहते हैं मीडिया पर्सोनल को, मीडिया हाउसेस को, तो हम उस प्रेस रिलीज, उसका एक टूल है, उसका एक जरिया है, उसका एक साधन है जिसके द्वारा हम जानकारी दे सकते हैं। प्रेस रिलीज की भाषा साधारण यानी सिंपल फ्लो के साथ हो, वाक्यों का एक दूसरे के साथ प्रेस रिलीज, जैसा हमने कॉलेज के बारे में बोला, कोई इंडिविजुअल भी दे सकता है कि पिछले दिनों मान लीजिए किसी ने कुछ अचीवमेंट हासिल की हो तो उसके बारे में बात कर सकता है। पार्टीज अपने बारे में करती हैं, अभी नगर निगम के इलेक्शन थे उसके बारे में पार्टीज डेली बेसिस पे अपना प्रेस नोट देती थी। जब से अखबारें चल रही हैं, अखबारों के समय से ऐसा हो रहा है कि जनरली 24 घंटे के बाद एक अखबार छपती है, उसकी पीरियोडिसिटी 24 घंटे में एक बार होती है जो डेली न्यूज़पेपर होते हैं। तो प्रेस नोट, हम ये कोशिश रहती है कि आज जो प्रेस नोट दी है यदि वो टाइमली दिया गया है मीडिया पर्सन्स को, मीडिया पर्सोनल को, तो वो अगले दिन के अखबार में कैरी कर ले यदि प्रिंट मीडिया से रिलेटेड बात की जाए। यदि वेब मीडिया या सोशल मीडिया से रिलेटेड बात की जाए, तो अभी जैसे इलेक्शंस की बात हो रही थी कि हरियाणा में इलेक्शंस थे विभिन्न जिलों में, तो उनमें दिन में लोग कई कई बार करते थे कि आज इस वार्ड में कैंपेनिंग करते हुए अगर मेयर का कर रहे थे या पंचायत किसी का हेड का कर रहे थे, तो अलग अलग एरिया में वो फोटोज भी डाल रहे हैं सोशल मीडिया, जिसमें व्हाट्सएप वगैरह की बात हो सकती है, फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम वगैरह पे, बहुत सारे ऐसे लोकल लोग। यदि राष्ट्रीय स्तर पर बात की जाए तो जैसा कि बीजेपी का ऑफिस 8 अशोक रोड पे था और अब उन्होंने बड़ा बढ़िया और मॉडर्न ऑफिस बनाया है, तो वहाँ उसके बारे में कुछ ना कुछ देश से रिलेटेड पूरे देश में बीजेपी या उसके जो भी कार्यकलाप हैं, गतिविधियां हैं, पॉजिटिव उसकी वो जो देते हैं, इसका उद्देश्य यही होता है प्रेस नोट का कि हमारे जो गतिविधियां हैं वो कार्यकुशलता के साथ पॉजिटिव वे में अखबार में, मीडिया में स्पेस हासिल कर लें। राष्ट्रीय स्तर पर दोबारा बात की जाए तो कांग्रेस का 24 अकबर रोड पे ऑफिस है और वहां भी और भी नेशनल पार्टीज हैं जो वो सब करती रहती हैं डेली। उसमें कुछ प्रेस ब्रीफिंग है, प्रेस ब्रीफिंग जो थोड़े स्तर पे होती है कि 2, 4, 5, 7, 10 मिनट की किसी बात पे किसी भी ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को, प्रवक्ता को यदि अपना वक्तव्य देना है, अपनी स्टेटमेंट देनी है, तो उसके बारे में बात कर सकते हैं। प्रेस रिलीज, प्रेस को रिलीज किया हुआ, प्रेस पर्सोनल को रिलीज किया हुआ एक डॉक्यूमेंट है जो ऑफिशियली जारी किया जाता है किसी भी अथोराइज्ड पर्सन द्वारा, किसी भी अथोराइज्ड इंडिविजुअल द्वारा। यदि हम पार्टीज की बात करें, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, यदि हम किसी बिजनेस हाउस के बारे में बात करें, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, तो ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, मान लीजिए कोई पुराने प्रोडक्ट में कोई अपडेशन हुई है, कोई अभी कहें कि स्कोडा में अब नई गाड़ी TCS इंजन के साथ आई है या इंजन की पावर ये है, या आप सब यूथ कोई बाइक, स्कूटर, स्कूटरेट ऐसी कोई भी यदि आप चीज देखते हैं तो उसमें
ये इंजन इस कैपेसिटी का आया है और इसमें मोबाइल चार्जिंग की सुविधा है या कोई और भी सुविधा है कि हेलमेट रख सकते हैं या इतने वोल्ट की बैटरी है। तो प्रेस रिलीज, प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस कम्युनिक, ये सब नाम कॉमन ही हैं। इनका उद्देश्य आम लोगों को जागरूक करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी गतिविधियों के बारे में, या व्यक्तिगत अभिरुचियों या उपलब्धियों के बारे में जागरूक करना है। ये तो हुई प्रेस विज्ञप्ति, प्रेस रिलीज के उद्देश्य की बात। जारी करने की बात हुई थी, जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन या ऑफिशियल पीआरओ, पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर होगा, लोक संपर्क अधिकारी होगा, तो वो जारी कर सकता है। भाषा की बात हुई थी, भाषा पे थोड़ा जोर देते हैं। मीडिया के विद्यार्थियों को ये जानना जरूरी है कि कैसे लिखी जा सकती है, कैसे उसको तैयार किया जा सकता है, क्या फॉर्मेट होना चाहिए। भाषा जैसा कि अभी कहा था कि ये साधारण होनी चाहिए, सिंपल हो, और यदि उसमें फ्लो होगा, प्रवाह होगा, तो वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाएगी लोगों को, रीडर्स को, यदि अखबार की बात की जाए, या सुनने देखने वालों को, यदि किसी और माध्यम पे भी वो उपलब्ध है। हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, हम यानी जारी करता, पीआरओ यह कोशिश करता है कि प्रेस में जो जारी की गई है उसमें सबसे ज्यादा गतिविधियां आ जाएं। साधारणतया पत्रकारिता के विद्यार्थी, मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी, इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल, व्युत्क्रम पिरामिड, उल्टा पिरामिड, इस स्टाइल में लिखते हैं, जिसमें इंट्रो यानी इंट्रोडक्शन यानी पहले पैराग्राफ या शुरू के 35-40 शब्द किसी समाचार के, न्यूज स्टोरी के, उन्हें हम इंट्रो कहते हैं। इंट्रो कोशिश ये रहनी चाहिए, पुरानी जो रिसर्चर पत्रकारों का यह मानना है कि 5 W's और 1 H, यानी हु, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड हाउ। हिंदी में इन्हें 6 ककार भी कहा जाता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस प्रकार आदि। हमारा ऐसा मानना है, और व्यक्तिगत अनुभवों से भी और पत्रकारिता के नए रुझानों के अनुसार भी, जो W, जो ककार, घटना का जो महत्वपूर्ण अंग है, उसको पहले स्थान देना चाहिए। पहले भी हमारी बात होती रही है कि मान लीजिए हम कहें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ में आ रहे हैं, तो यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ज्यादा बड़ा W, जिसे कहा जाए हु, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरी बात, चंडीगढ़ में है। तीसरी बात, कब आ रहे हैं, मान लीजिए समय शाम का, दिन का, या 11 बजे, 12 बजे, शाम 5 बजे। कहाँ की बात फिर आती है कि परेड ग्राउंड आ रहे हैं, कहीं किसी रैली स्थल पे आ रहे हैं, कहीं किसी लॉन्चिंग पे आ रहे हैं, योग दिवस पे आ रहे हैं, तो वो किस प्रकार आ रहे हैं, ये भी बात हो सकती है, और किस उद्देश्य के लिए आ रहे हैं, जैसे कहा कि योग दिवस आ रहे हैं। तो W's के विभिन्न प्रकार हैं, जो पत्रकारिता के विद्यार्थी 1 या 2 साल पढ़ चुके हैं, या अभी यदि फर्स्ट ईयर में भी हैं और किसी भी अखबार का एनालिसिस यदि करते हैं, विश्लेषण करते हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं, कोई भी घटना होगी तो उसमें ये कब, क्यों, कहाँ, कैसे, किस प्रकार, ये सब उसमें होगा। हम जो पत्रकारिता में लेखन करते हैं, या जो बडिंग जर्नलिस्ट हैं, जो मीडिया प्रैक्टिशनर्स हैं, उनमें यही फर्क है, उन्हें ये देखना है कि कौन सा W या H ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको खबर में पहले स्थान देना चाहिए। ये तो हुई उसके लिखने के स्टाइल की, उसकी शैली की बात। एक और बात, विद्यार्थी जनरली सामान्य तौर पर यह गलती कर जाते हैं कि मैं अपनी विद्वता दिखाऊं, मैं बहुत अच्छे से लिखूं, मेरे पास इतनी शब्द भंडार है, मेरी वोकेबलरी ऐसी है। तो अखबार में, क्योंकि जनमानस पे जाना है, मासिस के पास जाना है, कॉमन मैन के पास जाना है, उसको कोशिश यही रहनी चाहिए कि छोटे छोटे वाक्यों में या एक वाक्य में एक ही विचार हो, और उसमें एक ही विचार की प्रधानता हो। मान लीजिए यदि आप कहते हैं कि इस कार्यक्रम के यह मुख्य वक्ता थे, या मुख्य उद्घोषक थे, या कुछ भी ऐसा थे, या अध्यक्षता इन्होंने की, कृपया उसका पद नाम ठीक से लिखें, उनकी पोस्ट ठीक से लिखें, जो भी आप उसमें कहना चाहते हैं। हालांकि सभी को पता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री
मनोहर लाल खट्टर हैं, मगर उसमें मुख्यमंत्री यह लिखा जाना चाहिए, विशेषण वहीं लगाना चाहिए जहां उसकी जरूरत हो। पीआर पर्सोनल श्री और माननीय लिखने के आदि थे, मगर आजकल जो प्रैक्टिस है बहुत कम मेहनत की जाती है फील्ड में, आप जो जैसा छप सकता है वैसा ही लिखें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐसा किया। पीछे जी लगाने की जरूरत नहीं है, आगे श्री लगाने की जरूरत नहीं है। कुछ वर्ष पहले सर्वश्री की भी प्रैक्टिस चलती थी कि मान लीजिए हम चार लोगों के नाम दे रहे हैं तो उनके सब के नाम के आगे पहले श्री सर्वश्री से काम चला लें, ऐसी आजकल जरूरत नहीं है। पत्रकारों के पास भी बहुत कम समय है, सोशल मीडिया पे भी, और सब जगह उनको पोस्ट डालनी है या अपनी बात रखनी है या जो न्यूज में अपडेट हैं, जो भी अपडेशंस हैं या ब्रेकिंग न्यूज के नाम से भी आ रही है, तो वो श्री और ये कई बार हटाने का काम नहीं रहता। तो वो पीआरओ उनके काम को प्रेफरेंस, प्राथमिकता, प्रायोरिटी दी जाती है जो मीडिया फ्रेंडली या पत्रकारों के अकॉर्डिंग जो अपने समाचार भेजते हैं, अपनी गतिविधियां भेजते हैं, जो प्रेस रिलीज भेजते हैं। वाक्यों में बार बार और तथा एंड की ना बिल्कुल जरूरत नहीं है, इत्यादि वगैरह की, ईटीसी एटसेट्रा की जरूरत नहीं है। एक और बात बड़ी मायने रखती है कि मान लीजिए अब जैसे देश दुनिया महामारी से गुजर रही है और इन दिनों बड़ी अच्छी 2021 की बात है कि वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन आ रही है, तो लगभग रोज ये है इतने लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी, फर्स्ट फेज में इतने लगाया जाएगा। हमारी कोशिश ये रहनी चाहिए कि हम अंकों से शुरुआत ना करें किसी भी वाक्य की, चाहे वो कोविड पॉजिटिव लोगों की बात हो, चाहे कोविड से ठीक होने वालों की बात हो, या किसी भी समाचार से रिलेटेड हो, किसी भी गतिविधि से संबंधित हो, जैसा कि स्कूटर की बात की, या मान लीजिए आप अगर स्कोडा गाड़ी की ही बात की थी, तो सीधा इस लाइन से ना लिखें कि 1,25,700 गाड़ियां अभी पिछले महीने प्रोडक्शन से शोरूम्स में भेजी गई हैं। तो ऐसा न्यूमरल से, अंकों से हम अपने वाक्य को शुरू ना करें। हमारी यह भी कोशिश रहनी चाहिए कि यदि कोई एब्रीविएशंस, संक्षिप्त अक्षर कुछ आ रहे हैं तो उनको यदि इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनका हम फुल फॉर्म, पूरा विस्तार भी साथ लिख दें, और जहां समाचार में, जहां प्रेस नोट में पहली बार इस्तेमाल हो रहा है वहां उसको हम लिख दें। कुछ एक बहुत पॉपुलर है हिंदी में भी, लोस का मतलब लोकसभा है, एमपी का मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। स्थान और स्पेस कम होने की वजह से हिंदी में भी एमपी लिखा जा सकता है, एमएलए लिखा जाता है, और लिखते हैं सब। हमें एब्रीविएशंस, संक्षिप्त अक्षर, एक्रोनाइम्स वही इस्तेमाल करने हैं जो हमारे रीजन में, जहां वो अखबार जा रहा है, जहां वो मीडिया जा रहा है, जहां वो पॉपुलरली नोन हो। पीएम मतलब प्राइम मिनिस्टर, सीएम मतलब चीफ मिनिस्टर, ऐसा ये सब हमें वही इस्तेमाल करने हैं। और पहली बार मान लीजिए उनका इस्तेमाल हो रहा है तो आप उनका संक्षिप्त अक्षर और साथ ब्रैकेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, आगे बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं, मान लीजिए भारत ने तेजस का भी विमानों का सेना को देने का निर्णय किया है 48,000 करोड़ रुपए के साथ, तो अगर कुछ टेक्निकल आया है, मान लीजिए बैलिस्टिक रेंज मिसाइल आया है, तो उसकी आप फुल फॉर्म लिखते हैं। हर पत्रकार भी हर विधा या हर विषय का ज्ञाता नहीं होता, तो यदि ऐसा कुछ उसका बैकग्राउंड अवेलेबल है, यदि उस टॉपिक का कुछ और मटेरियल, सामग्री, कंटेंट, विषय वस्तु अवेलेबल है, उपलब्ध है, तो उसको भी देख लेना चाहिए, उसको भी पढ़ लेना चाहिए, और जो मानक शब्द हैं, जो प्रचलित शब्द हैं, उनका इस्तेमाल उसमें करना चाहिए। पत्रकारों का काम हेडलाइन लिखना नहीं है, मगर हम पीआरओ जो पब्लिक रिलेशंस ऑफिसर हैं, जो प्रेस नोट लिखते हैं, वो हेडलाइन पुराने समय में नहीं लिखी जाती थी, आज से 20, 25, 30 साल पहले, मगर आजकल यह रिवाज है या ट्रेंड है या रुझान है कि हम हेडलाइन भी लिखकर भेजते हैं। फिर वही बात कहता हूँ कि फील्ड में लोगों को इतनी मेहनत ना करनी पड़े और हम मीडिया फ्रेंडलीनेस, मीडिया मित्रों को जो हम प्रेस कम्युनिक भेज रहे हैं, प्रेस नोट भेज रहे हैं, तो उनको कम मेहनत करनी पड़े। दूसरा उसका यह भी फायदा है, आपको यह मालूम हो जाता है
कि आपने किस चीज को हाईलाइट करना है, आपने अपने प्रेस नोट के माध्यम से आप उस दिन संस्थान को हाईलाइट करना चाहते हैं, यदि विद्यार्थियों की बात की जाए तो ये कर सकते हैं कि नवनीता ने यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीता एकेडमिक्स में, या डिबेट कंपटीशन में, या आदित्य विज आज डॉक्यूमेंट्री में अव्वल आए, तो आपको नाम को हाईलाइट करना है, या आपको अपने संस्थान को करना है, विश्वविद्यालय में करना है, जैसा लगभग 2 वर्ष पहले नितिन हमारे देश में सभी इवेंट्स में जिसमें सब यूनिवर्सिटीज और कॉलेज शामिल थे, तो दूसरे स्थान पर उन्होंने पूरे देश में स्थान हासिल किया अपने कॉलेज के और परिवार का भी नाम रोशन किया। तो आपको नितिन हाईलाइट करना चाहिए और उसमें उसका यूएसपी यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है, एडवर्टाइजिंग विज्ञापन का शब्द है मगर काफी लोग उसे यूनिक सेलिंग पॉइंट बोलते हैं, कि उसका खास क्या है। तो खास उसका यह है कि देश में दूसरा स्थान हासिल किया है और एक कॉलेज के विद्यार्थी ने, या मान लीजिए कॉलेज के विद्यार्थियों से ही करें, अभी 26 जनवरी आने वाली है और राजपथ यानी गणतंत्र दिवस की परेड होती है, आरडी परेड पॉपुलरली नॉन, कि कॉलेज के विद्यार्थियों ने उनमें से 5 विद्यार्थियों ने या 3 बॉयज और 2 गर्ल्स ने आरडी परेड में शामिल हुए। पूरे देश में कितने कॉलेजेस होंगे, कितनी यूनिवर्सिटीज होंगी, यदि किसी एक कॉलेज से 3, 4, 5 बच्चे उसमें शामिल होते हैं, लगभग 200-250 बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें यदि एक ही संस्थान के 2, 4, 5 बच्चे आते हैं तो उसमें बच्चे भी इम्पोर्टेंट हैं, आरडी परेड में शामिल होना इम्पोर्टेंट है और उस संस्थान के लिए भी बड़ा गौरवशाली है। दीज आर द एग्जाम्पल्स कि कैसे हाईलाइट किया जाना चाहिए। यदि आप हेडलाइन भी लिखें, हेडलाइन हालांकि धीरे धीरे लिखने आती है, हेडलाइन का भी एक, यदि आप अपने प्रेस नोट का लिख रहे हैं तो कम से कम शब्दों में लिखें, जितने कम शब्द होंगे उतना वो ज्यादा लोगों को अपील करेगी, और ज्यादा कम अक्षर या शब्द होने से हर अक्षर को, हर शब्द को ज्यादा बड़ा फॉन्ट साइज मिलने की संभावना हो सकती है। अखबारों में 2 कॉलम डीसी डबल कॉलम बोल दिया जाता है, 3 कॉलम्स टीसी 3 कॉलम्स या एससी सिंगल कॉलम बोल दिया जाता है, हालांकि सब विवेक डेस्क पीपल का है जो सब एडिटर्स हैं या एडिटोरियल स्टाफ का है कि वो कितना इसके साथ विवेक कर सकते हैं, न्याय कर सकते हैं आपकी खबर के साथ। पीआर की प्रैक्टिस करते हुए ये भी बहुत बार रहता है कि ये बहुत अच्छी इवेंट थी हमारे संस्थान की, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की, हमारी पार्टी की या इंडिविजुअल की, मगर इसे स्थान नहीं मिला। कुछ एक फैक्टर्स ऐसे उस पे जिनसे वो प्रभावित होता है कि उस दिन शहर में कुछ और अच्छी बड़ी घटना हो सकती है, चाहे वो कोई एक्सीडेंट से रिलेटेड बुरी खबर हो, चाहे वो किसी और अच्छे से हो, जैसा हम बात कर रहे थे कि सीएम और ऐसा। ये हमें देखना है कि यदि हम एक दिन आगे या एक दिन पीछे यदि रिलीज कर सकते हैं किसी खबर को, इसमें भी हार्ड और सॉफ्ट फैक्टर है न्यूज का, जो पहले भी कई बार बात हो चुकी है और सब विद्यार्थी और प्रैक्टिशनर समझते हैं। हार्ड न्यूज वो है जिसको बार बार और हर बार हार्ड न्यूज यही कहा जाएगा कि आपको वही देनी है जो उस दिन देनी जरूरी हो और वो उस दिन छपनी जरूरी हो। थोड़ा सा समय की तकनीकी बाध्यता है, इसी लेक्चर को फिर कंटिन्यू करते हैं, कुछ और शब्द और इनके प्रकारों की बात करते हैं, प्रेस नोट की इसे रिपीट करना चाहेंगे और यहीं से शुरुआत करेंगे। आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। किसी तरह के क्वेश्चंस हों तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं, आप उसमें डाल सकते हैं। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। 20 मिनट सर।